अभी हमने खोली है इंटरनल पार्ट ऑफ द स्कल, इसके अंदर हमारे पास तीन फोसा होते हैं, तीन, ये वाला है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मीडियल क्रेनियल फोसा और ये पोस्टीरियर क्रेनियल, मीडियल होगा या मिडल होगा, मिडल क्रेनियल फोसा, ठीक है। अब एंटीरियर क्रेनियल फोसा में सबसे पहले ये फ्रंटल बोन है, इसके साथ ये एथमोइड बोन है, एथमोइड बोन की एक होती है प्लेट, एथमोइड प्लेट है ना, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, और जो मिड वाला ये उभरी हुई चीज होती है इसको हम कहते हैं क्रिस्टा गैली, ये तो साइड्स पे जो होती है वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट और क्रिस्टा गैली, ठीक है। और अब मिडल क्रेनियल फोसा में आ जाता है हमारे पास स्फीनोइड बोन्स, स्फीनोइड बोन के हमारे पास दो विंग्स होते हैं, ये वाला जो है ये लेसर विंग है, ये ऊपर वाला जो है ये लेसर विंग है और ये नीचे वाला ग्रेटर विंग है। उसके बाद ये जो है हमारे पास ये है ट्यूबरकुलम सेले और ये है डॉर्सम सेले, ये ट्यूबरकुलम सेले, ये डॉर्सम सेले, इसके बाद इस पूरे को सेला टर्सिका कहते हैं, और इसके अंदर जो एक फोसा है जो डिप्रेशन है उसको हम कहते हैं हाइपोफिजियल फोसा, ठीक है। उसके बाद ये जो दो केनाल हमें नजर आ रही है इसको हम कहते हैं ऑप्टिक केनाल, यहाँ से भी हम देख सकते हैं यहाँ आईज की तरफ निकल रही है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक केनाल। उसके बाद ये जो है बड़ा सारा होल जो हमें नजर आ रहा है फिशर है, इसको कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे फोरामेन ओवेल, फोरामेन रूटेंडम, फोरामेन स्पाइनोसम और ये वाला कौन सा था, फोरामेन लेसरम, ठीक है। ये जो बड़ा सारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जो एक बड़ा सारा होल है इसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम, और फोरामेन मैग्नम की साइड्स पे जो है वो है हाइपोग्लोसल केनाल, ठीक है, ये वाली अंदर वाली, हाँ, ये हाइपोग्लोसल केनाल है, ये वाली, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये वाला था हमारे पास कौन सा था, जुगलर, जुगलर फोरामेन, और ये जुगलर नोच होती है ये वाली, ये जुगलर नोच, इंटरनल एकोस्टिक मीएटस होती है, इंटरनल एकोस्टिक मीएटस, और ये इंटरनल एकोस्टिक मीएटस। इसके बाद और कुछ रह गया, ये एक पॉइंट रहता है ये वाला, इसको हमने पढ़ना है।